सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए मनरेगा कानून बनाया है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का काम अपनी इच्छा अनुसार पाने का अधिकार है। परंतु सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत सुंदरी के पहाड़ टोला में लालमन सहित 28 मजदूरों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। ये सभी मजदूर मनरेगा में काम तो चाहते हैं, परंतु पिछले 4 वर्षों से इन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। आपके घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च तो कुछ खेती से चलता है, कुछ बनी मजदूरी करते हैं, अब कोई रोजगार है ही नहीं। आपको मजदूरी रोज मिल जाता है? रोज नहीं मिलता है, माह में 10 दिन 5 दिन ऐसे मिलता है। मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी 100 रुपया मान के चलिए कि मिलेगा, किसान कितना देंगे। जब आपको रोज काम नहीं मिलता तो मनरेगा में काम क्यों नहीं करते हैं? मनरेगा हमारे पास है ही नहीं, प्रधान नहीं देता कि नहीं है, कहाँ काम मांगे किससे। काम पाने के लिए प्रधान को आवेदन दिए, स्वीकार नहीं किया। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य होते हैं हम लोग। आपके घर का खर्च कैसे चलता है? हमारे घर खर्च बड़ी दिकदारी से चल रहा है, बनी मजदूरी इस समय है ही नहीं है, किसी हालत से रोजी रोटी पार किया जा रहा है। रोज काम मिल जाता है? नहीं नहीं मिल पा रहा है काम। तो फिर जब रोज मजदूरी नहीं मिलता है तो आप मनरेगा में काम क्यों नहीं करते हैं? मनरेगा कहाँ खुल रहा है इस समय, 2-4 साल से बंद है एकदम। तो काम पाने के लिए कोई प्रयास किए अभी तक? हाँ प्रयास तो किए थे, हम लोग सब मिल के प्रधान के पास गए थे, तो प्रधान काम देने के लिए एग्री हुई भी नहीं किया। क्या कह रहे हैं प्रधान? कह रहे हैं कि आप लोग के जहाँ जाना है तो चाहिए, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के काम मिलना चाहिए। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम न मिलने से इन्हें अपने परिवार की आजीविका चलाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि आप हमारी मदद करें। ब्लॉक बभनी जनपद सोनभद्र के खंड विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 94-54-46-51-41 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इन मजदूरों को काम मिल सके। मैं मोहम्मद जावेद सुंदरी दुद्धी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।